पुलिस जनपद उन्नाव के द्वारा एक अवैध शराब की बरामदगी में उल्लेखनीय सफलता हासिल किया है और ये एक टाटा पिकअप बरामद किया गया है जिसमें दो अभियुक्त गण हैं जिनके नाम राजकुमार पुत्र सुमेर सिंह जाट, दीपक पुत्र ओम प्रकाश सैनी, ये दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कस्टडी से 98 पेटी अवैध शराब जो हरियाणा से ला करके बिहार या बनारस जाने के लिए ले जाई जा रही थी उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल किया गया है। और इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उनमें ऑफिसर चॉइस ब्लू हाफ की 26 पेटी हैं, ऑफिसर चॉइस ब्लू क्वार्टर की 24 पेटी हैं, रॉयल स्टैक की 20 पेटी हैं, रॉयल स्टैक हाफ की 28 पेटी हैं और एक पिकअप हरियाणा की गाड़ी है जिसका नंबर HR66A7703 है जिसके संबंध में थाना गंगा घाट पर मुकदमा अपराध संख्या 699/18 धारा 60/72 एक्साइज एक्ट और 420, 467, 468, 471 IPC पंजीकृत किया गया है। और इन्होंने खूबसूरती के साथ ब्लफ देने के लिए जो टाटा पिकअप है उसमें नीचे अवैध शराब रख रखी थी तथा उसके ऊपर मुर्गे के जो चूजे होते हैं उनके कार्टून होते हैं वो कार्टून लगा रखे थे और जो बिल्टी बना रखी थी वह भी सब फर्जी थी। तो इस प्रकार से ये गंगा घाट पुलिस का एक बहुत अच्छा गुडवर्क है और जो इसमें टीम है जिनके द्वारा अच्छा काम किया गया जिनमें बरामद किया गया उनको हमारे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। और इनका और हम क्रिमिनल हिस्ट्री जानने का कोशिश करेंगे क्या इनके विरुद्ध में हरियाणा या UP के अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट में अन्य कोई इस प्रकार का कोई अपराध पंजीकृत किया गया हो। आपको ध्यान होगा कभी से मुश्किल से एक हफ्ते या 10 दिन पहले इसी तरीके से हरियाणा का एक ट्रक अवैध शराब बरामद किया गया था। तो इस प्रकार से यह जनपद उन्नाव की पुलिस का एक अच्छा गुडवर्क है, बढ़िया काम है। अब ये इनमें लगभग मोटा मोटी अंदाजे एग्जैक्ट कीमत तो नहीं लेकिन जो डिफरेंस है लगभग 16 लाख की कीमत बताई जा रही है। हरियाणा में क्या कीमत थी इसकी? हरियाणा और इनके दोनों का डिफरेंस मिला करके 16 लाख के लगभग का प्रॉफिट है इनमें।